In a world evolving at the speed of light, we're driving the next revolution. Introducing POX Blockchain. Empowering you with unprecedented security, speed, and decentralization. POX Blockchain. Hello, welcome back guys. This is Vintages here. और आज हम संडे की वीओपी अटेंड करके आए थे. काफ़ी शानदार वीओपी थी. मिस्टर रोमन घोष ने हेल्ड की थी वो. और अभी हम एज अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हम भी अपने ही तरफ से अपना पार्ट निभाने के लिए अभी यूएसडीएक्स प्लान की क्या है प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो शूट कर रहे हैं जिसमें पूरा प्लान प्रेजेंटेशन होगा बाय मिस्टर रमेश सर. वो प्रॉपर आपको इन्फॉर्मेशन देंगे रिगार्डिंग द प्लान. सो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है. इस पीपीटी को ध्यान से देखें. अगर ये आपको काफ़ी हेल्प करेगी पूरा अंडरस्टैंड करने में कि यूएसडीएक्स प्लान में आप कैसे काफ़ी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं राइट विद योर इन्वेस्टमेंट एंड विद बिल्डिंग अ टीम राइट. तो अभी हैंड ओवर करते हैं रमेश सर को. वो स्क्रीन शेयर करके अभी आपको पूरी पीपीटी की इन्फॉर्मेशन आपको देने वाले हैं राइट. तो ध्यान से सुनना. बहुत ही अमेजिंग सेशन होने वाला है ये. पूरी अच्छे से अपना माइंड ओपन करके सुनना राइट गाइस. तो हैंड ओवर टू रमेश सर. थैंक यू वेरी मच. डियर फ्रेंड्स, मायसेल्फ आरके शर्मा, आपका दोस्त, आपका बिजनेस पार्टनर. और आज हम लोग यहाँ पे एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में आपसे बात करना चाहेंगे. तो फ्रेंड्स, एक ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो कि आज का ट्रेंड है, जो आज का समय है, क्रिप्टो करेंसी. आप सभी ने क्रिप्टो करेंसी के बारे में बड़े अच्छे से सुना होगा. तो क्या है ये क्रिप्टो करेंसी और कौन सा हमारा प्रोजेक्ट है जिसको हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, उसके बारे में हम लोग आज अभी यहाँ आपके साथ शेयरिंग करेंगे. तो फ्रेंड्स, बने रहिए. बहुत ही जबरदस्त बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, ट्रेंड है आज क्रिप्टो करेंसी का, डिजिटल एसेट्स का. ये डिजिटल एसेट्स क्या है उसके बारे में हम अपना पूरी जो जानकारी है इस प्रेजेंटेशन के दौरान आपको देंगे. सो और पूरी जानकारी आप यहाँ से हासिल कीजिए. तो ये मैं आपके साथ अपना स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ दोस्तों. ओके गुड. तो माय डियर फ्रेंड्स, लगभग 20 से 25 मिनट की ये प्रेजेंटेशन रहेगी. तो आपने बड़े ध्यान से इस पूरी प्रेजेंटेशन को अंडरस्टैंड करना है, देखना है, और उसके बाद इस चीज को आपने बड़े ध्यान से देखना है. तो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहली स्लाइड आपके सामने आई है और यहाँ पे लिखा हुआ है, वी वेलकम यू ऑल ऑफ द क्रिप्टो करेंसी एजुकेशनल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज्ड बाय टीम बैटल. हाँ दोस्तों, हम लोग टीम बैटल का एक हिस्सा हैं और टीम बैटल की छत्रछाया में हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं. तो फ्रेंड्स, ये हमारी इंट्रोडक्शन है टीम बैटल की. तो यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों, व्हाट इज ए डिजिटल एसेट्स. ये डिजिटल एसेट्स क्या हैं इसके बारे में भी हम इस पूरी प्रेजेंटेशन के अंदर जानेंगे, समझेंगे. तो डियर फ्रेंड्स, व्हाट इज एसेट्स, एसेट्स क्या हैं दोस्तों. जब हमारे पास सरप्लस पैसा होता है तो हम अक्सर एसेट्स क्रिएट करते हैं. कौन से एसेट? फिजिकल एसेट्स. लाइक जैसे आप हमारी स्लाइड पे देख रहे हैं, हम लैंड परचेज करते हैं, प्लॉट्स लेते हैं, सिल्वर एंड गोल्ड के अंदर हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं. ये हमारे फिजिकल एसेट्स हैं दोस्तों, जिन पे हमें बहुत विश्वास है, बहुत भरोसा होता है. ये फिजिकल एसेट्स हम क्रिएट करते हैं, सभी क्रिएट करते हैं दोस्तों, लैंड, सिल्वर, गोल्ड एक्सेट्रा. लेकिन आज बात हो रही है क्रिप्टो करेंसी की, डिजिटल एसेट्स की. तो डियर फ्रेंड्स, व्हाट इज एसेट्स? एसेट्स संपत्ति, पूंजी, हम बोलते हैं एसेट्स को पूंजी. फ्रेंड्स, कोई भी एसेट्स ग्रो करता है अगर उसकी सप्लाई लिमिटेड हो और डिमांड हाई हो, तभी वो एसेट ग्रो करता है. लाइक लैंड की बात करें, किसी भी पर्टिकुलर एरियाज की बात करें, अगर हम मोहाली की बात करें तो मोहाली डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो लैंड है दोस्तों, वो तो लिमिटेड है, लेकिन प्राइस डे बाय डे बढ़ रहे हैं. क्यों? क्योंकि उसकी डिमांड क्रिएट हो रही है, हाई डिमांड है. प्लॉट्स की, लैंड की जो सप्लाई है
वो लिमिटेड है दोस्तों, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वो लिमिटेड है, लेकिन डिमांड के कारण प्राइस जो है डे बाय डे ग्रो हो रहे हैं। ऐसे ही दोस्तों गोल्ड भी सेम थिंग। तो फ्रेंड्स, व्हाट इज डिजिटल, व्हाई डिजिटल एसेट्स क्रिएटेड, इसके बारे में हम आगे जो हमारी स्लाइड्स हैं उनके अंदर चर्चा करेंगे कि डिजिटल एसेट्स कौन से होते हैं और व्हाई डिजिटल एसेट्स क्रिएटेड। तो माय डियर फ्रेंड्स, डिजिटल एसेट्स के बारे में बताने से पहले मैं थोड़ा सा आपको एक रिव्यू देना चाहता हूं। थोड़ा हम लोग पीछे जाएंगे, बैक जाएंगे, हम जानेंगे समझेंगे कि जब से इंसान इस धरती पर आया है दोस्तों, जब से इंसान इस धरती पर आया है, डे वन से पेपर करेंसी हम लोग नहीं यूज कर रहे। मीन्स टू से कि पहले दिन से ये पेपर मनी जिस पे हमें सबसे ज्यादा भरोसा है, ये पहले दिन से नहीं थी दोस्तों। आपने पढ़ा होगा कि सबसे पहले जब इंसान इस धरती पर आया तो दोस्तों वाटर सिस्टम हुआ कर, वाटर सिस्टम आदान प्रदान। तो दोस्तों मान लीजिए एक व्यक्ति के पास कनक है, गेहूं है, और दूसरे व्यक्ति के पास चावल है, तो वो आपस में एक्सचेंज कर लिया कर। लेकिन जब दोस्तों दो लोगों के लेन देन में एक व्यक्ति के पास भैंस है, दूसरे व्यक्ति के पास बकरी है, तो वहां पे संशय पैदा हुआ कि मेरी भैंस की जो वैल्यू है वो ज्यादा है और बकरी की वैल्यू कम है। तो फ्रेंड्स, उसके बाद क्वाइंस ने जन्म लिया, राजे महाराजाओं का टाइम आया, वहां पे चमड़े के दमड़े के सिक्के बना करते थे जिसके ऊपर राजे महाराजा अपना स्टैंप लगा दिया करते थे। लेकिन उसकी दिक्कत थी कि वो उसी राजा महाराजा के यहाँ इन कैश होता था जिसकी स्टैंप उसके ऊपर लगी होती। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही चलते चलते गोल्ड होंद में आया, और गोल्ड जो था दोस्तों ये धरती से माइन होके निकलता था, बहुत मेहनत के बाद थोड़ा सा निकलता था, और एक चमकदार धातु होने की वजह से एक वैल्यूबल ये मेटल के रूप में सामने प्रस्तुत हुई, तो इसके साथ व्यापार होना शुरू हुआ दोस्तों। गोल्ड के साथ एक राज्य का दूसरे राज्य के साथ व्यापार होना शुरू हुआ, एक देश का दूसरे देश के साथ व्यापार होना शुरू हुआ। इस तरह से जो हमारी लिमिटेशंस हैं वो बढ़ गई, और गोल्ड को व्यापार के रूप में, वस्तुओं को आदान प्रदान के रूप में लेना शुरू हुआ। तो माय डियर फ्रेंड्स, अब गोल्ड के साथ एक सबसे बड़ी दिक्कत जो सामने आई कि ये एक वैल्यूबल मेटल था, जब इसको कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह लेके जाया जाते थे तो रास्ते में चोर लुटेरे समुद्री डाकू लूट लिया करते थे, आपने बहुत सारी फिल्म्स के अंदर देखा भी होगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, जब ये दिक्कत पेश सामने आ रही थी तो उसके बाद सबसे पहले चाइना ने इनिशियल लिया, चाइना ने पेपर बॉन्ड तैयार किया। चाइना ने जो पेपर बॉन्ड तैयार किया वो गोल्ड को रिजर्व करके किया, और आज भी जैसे हम इंडिया की बात करें तो हमारे भारत ने जो आईआर, जो आरबीआई करेंसी, जो इंडियन आईएनआईआर आईएनआर जो छपता है वो गोल्ड को रिजर्व करके ही छपता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, चाइना ने इनिशियल लिया पेपर बॉन्ड, आए पेपर बॉन्ड, पेपर जिसको आप पेपर करेंसी भी कह सकते हैं, लेकिन इसके साथ व्यापार तो बहुत सुलभ हो गया, बहुत इजी हो गया। अगर हमें 10 रुपए का सामान लेना है तो हम 10 रुपए लेकर चले जाते थे, 100 रुपए का सामान लेना है तो 100 रुपए हम लेके चले जाते थे। लेकिन दोस्तों पेपर करेंसी के अंदर जो सबसे बड़ी दिक्कत, सबसे बड़ी परेशानी आई वो आई डुप्लीकेसी। हम सभी जानते हैं कि 2000 का नोट बंद, लेकिन इसको बंद करने का सबसे बड़ा कारण जो रहा दोस्तों, रीजन वो ये था डुप्लीकेसी। सरकार ने बहुत मेहनत की डुप्लीकेसी को खत्म करने की, लेकिन नहीं हो पाई। तो लास्ट में 2000 का नोट गवर्नमेंट को बंद ही करना पड़ा। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये एक उपाय था डुप्लीकेसी को खत्म करने का। जैसे आज हमारी देश के अंदर सबसे बड़ा जो नोट है वो है 500 रुपए का, इसके अंदर भी बहुत सारी डुप्लीकेसी हो रही है दोस्तों। अगर ये भी डुप्लीकेसी कंट्रोल ना हुई तो हो सकता है कि आने वाले समय में 500 का नोट भी बंद हो जाए। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक और चीज बताना चाहूंगा दोस्तों, धीरे धीरे मार्केट से फिएट करेंसी घटती जा रही है। क्यों? क्योंकि हम लोग डिजिटल हो रहे हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, जब ये दिक्कत डुप्लीकेसी की सामने आई तो हम लोग
इंटरनेट के बारे में भी थोड़ा समझना शुरू कर चुके थे, तो उस टाइम ये मैं आपको चेंज बता रहा हूँ, बदलाव जो समय समय पर बदलाव हुए उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो हमें इजी हो जाएगा कि डिजिटल एसेट्स की हमें जरूरत क्यों पड़ी। तो फ्रेंड्स, जब हम थोड़ा इंटरनेट को जानना शुरू किया, हमने समझना शुरू किया, तो एक प्लास्टिक करेंसी के रूप में डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड ये भी हम लोगों ने यूज किए दोस्तों, ये मार्केट में आए। लेकिन इसमें भी दिक्कत आई कि जो लोग हमें डिलीवर किया करते थे, आपको याद होगा कि पहले जो पासवर्ड था वो साथ आया करता, तो माय डियर फ्रेंड्स, वो लोग वहां से पासवर्ड लेकर के बहुत सारे लोगों की मनी, उन्होंने पैसा जो है निकाला। तो इसके बाद दोस्तों हम लोग शिफ्ट हुए डिजिटल करेंसी की तरफ, लाइक गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, ऐसे बहुत सारे एप्स के माध्यम से हम लोग लेन देन शुरू कर चुके हैं दोस्तों। जब हम पढ़ लिख गए, तो ये पढ़े लिखों का जमाना दोस्तों, जब हम थोड़ा अवेयर हुए तो उधर जो चोर थे वो भी पढ़े लिखे आ गए दोस्तों। एग्जैक्टली, एजुकेटेड चोर मार्केट में आ गए, जो बिना ओटीपी के आपका जो अकाउंट है उसको हैक कर सकते हैं, आपका नेट बैंकिंग हैक कर सकते हैं, आपका गूगल पे, फोन पे भी हैक कर सकते हैं, जिनको हम बोलते हैं हैकर्स। तो माय डियर फ्रेंड्स, जब ये समस्या चलती आ रही थी, तो आगे अभी क्रिप्टो करेंसी की हम बात करेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, क्रिप्टो करेंसी जो है ये एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, जिसका आविष्कार 2008 में संतोषी नाकामोतो, जापानीज एक साइंटिस्ट हुए, उन्होंने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया और उन्होंने सरकारों के आगे प्रस्ताव रखा कि अगर हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज करना शुरू करें तो ये डुप्लीकेसी की समस्या, ये हैकिंग की समस्या को कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, उस समय सरकारों ने इस चीज को नहीं समझा, नहीं माना, क्योंकि उनका सबका जो मेन फोकस था वो था बैंकिंग सेक्टर पर, क्योंकि सबसे ज्यादा रेवेन्यू कहां से आ रहा था, बैंकिंग से। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज आप देख रहे हैं कि बहुत सारे बैंक मर्ज होते जा रहे हैं, घटते जा रहे हैं। तो अब हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी की। क्रिप्टो करेंसी इज एन एसेट्स डिवेल्प्ड ऑन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी विच इज टोटली डिसेंट्रलाइज। यस दोस्तों, यहाँ पे आप देखेंगे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और डिसेंट्रलाइज शब्द का यूज हुआ है। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो ना तो अडिटेबल है ना रिमूवेबल है, ये बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर है दोस्तों। और मैं बताना चाहूंगा कि एचडीएफसी बैंक पूरे का पूरा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर शिफ्ट हो चुका है। पंचकुला की जो रजिस्ट्रार ऑफिस है, ये जो पटवार खाना है, ये सारी रजिस्ट्रीज आजकल ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे हो रही हैं। बहुत सारे जो डिपार्टमेंट्स है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट हो चुके हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे एक डिसेंट्रलाइज वर्ड का भी प्रयोग किया गया है, और आप यहाँ समझेंगे, जानेंगे कि सेंट्रलाइज सिस्टम और डिसेंट्रलाइज सिस्टम में डिफरेंस क्या होता है। व्हाट इज द डिफरेंस फ्रॉम सेंट्रलाइज सिस्टम एंड डिसेंट्रलाइज सिस्टम। माय डियर फ्रेंड्स, सेंट्रलाइज सिस्टम की बात करेंगे। सेंट्रलाइज सिस्टम वो होता है जहां पे किसी गवर्नमेंट या किसी व्यक्ति विशेष का कंट्रोल होता है दोस्तों, किसी व्यक्ति विशेष या गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, उसको हम बोलते हैं सेंट्रलाइज सिस्टम। लाइक जैसे कि इंडियन करेंसी के ऊपर इंडियन गवर्नमेंट का कंट्रोल है, किसी कंपनी के ऊपर किसी एमडी का कंट्रोल, ये सारा क्या है, सेंट्रलाइज सिस्टम। अब बात करते हैं डिसेंट्रलाइज सिस्टम। माय डियर फ्रेंड्स, डिसेंट्रलाइज सिस्टम वो होता है जहां पे किसी गवर्नमेंट या किसी व्यक्ति विशेष का कंट्रोल नहीं होता, जिसके पास वो वस्तु है वो उसका मालिक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक एग्जांपल आपको आपको और देता हूं। गोल्ड, सोना दुनिया का पहला फिजिकल डिसेंट्रलाइज एसेट है। मैं रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, गोल्ड दुनिया का पहला फिजिकल डिसेंट्रलाइज एसेट है, ये जिसके पास है वो इसका मालिक है। अगर आपके पास 10 ग्राम है तो आप 10 ग्राम के मालिक हैं, 1 किलो है तो आप 1 किलो के मालिक। तो माय डियर फ्रेंड्स, गोल्ड के तरीके
तरस पे ही ये क्रिप्टो करेंसी का जन्म हुआ। क्रिप्टो करेंसी, जैसे मैंने बताया कि गोल्ड जो है दुनिया का पहला फिजिकल डिसेंट्रलाइजेशन है, इसी तरीके से जो क्रिप्टो करेंसी है दोस्तों, ये दुनिया की पहली डिजिटल एसेट्स। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमें फिजिकल एसेट्स के साथ साथ डिजिटल एसेट्स भी क्रिएट करने हैं, क्योंकि आपने पीछे देखा होगा दोस्तों, यूक्रेन की लड़ाई हुई रशिया के साथ, यूक्रेन के अंदर जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी लोगों की, 100 करोड़ 1000 करोड़ की जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी, वो मिट्टी का ढेर हो गई। जिनके पास गोल्ड था, क्या वो लोग गोल्ड साथ लेके भागे? नो, अपनी जान बचा के भागे। लेकिन डियर फ्रेंड्स, जिनके पास क्रिप्टो करेंसी था, क्रिप्टो करेंसी डिजिटल एसेट्स थे उनके मोबाइल में, वो आज दोबारा सरवाइव कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स, ये पावर है डिजिटल एसेट्स की। हमें फिजिकल एसेट्स के साथ साथ डिजिटल एसेट्स भी क्रिएट करने हैं दोस्तों। तो माय डियर फ्रेंड्स, इवोल्यूशन ऑफ क्रिप्टो करेंसी, 2008 के अंदर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आई, और सबसे पहले ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर जो करेंसी बनी, क्रिप्टो करेंसी बनी दोस्तों, वो बनी बिटकॉइन। बेसिकली क्रिप्टो करेंसी की अगर हम बात करें, क्रिप्टो करेंसी, करेंसी माने पैसा, क्रिप्टो माने गुप्त, एक ऐसा पैसा जो आप फिजिकली छू नहीं सकते लेकिन आपके पास है और आप उसके मालिक हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे आज हम गूगल पे फोन पे यूज करते हैं, तो लेन देन में बेशक हम पैसे को हाथ ना लगाएं लेकिन वो आपके अकाउंट में शिफ्ट हो जाता है। तो दूसरे शब्दों में इसको आप डिजिटल करेंसी भी बोल सकते। तो माय डियर फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स 2008 के अंदर बिटकॉइन जो आया, तो फ्रेंड्स बिटकॉइन का जो प्राइस है, आपको पता होगा कि बहुत सारे लोगों ने शुरुआत में गेम्स खेल के एयर ड्रॉप्स भी लिए फ्री में, और उसके बाद इसका प्राइस बना 10 पैसे 20 पैसे 50 पैसे 1 रुपये। दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा कि यही बिटकॉइन जिसकी कीमत 10 पैसे 20 पैसे 1 रुपये थी, आज 60 लाख से 65 लाख के बीच में है दोस्तों इसका प्राइस। बताना चाहूंगा कि इसकी टोटल सप्लाई 2 करोड़ 10 लाख। हाँ दोस्तों, आज भी इसकी सप्लाई 2 करोड़ 10 लाख ही है, ना आधा ऊपर ना आधा नीचे। तो दोस्तों, प्रूफ ऑफ वर्क के ऊपर ये काम करता है, और इसका टीपीएस था 3, मात्र 3 टीपीएस, मीन्स ट्रांजेक्शन पर सेकेंड, ये पूरे वर्ल्ड के अंदर 1 सेकेंड के अंदर 3 ही ट्रांजेक्शन इसकी हो पाती थी। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसके बाद 2013 के अंदर इथेरियम, इथेरियम आया, ETH, और ये सेकेंड बिगेस्ट क्रिप्टो करेंसी के रूप में पूरे वर्ल्ड में पहचानी जाती है दोस्तों, इथेरियम। और इन्होंने अपनी जो ब्लॉकचेन थी उसको थोड़ा इंप्रूव किया, बिटकॉइन से बेहतर किया, इन्होंने टीपीएस 25 कर दी दोस्तों, 25, और बिटकॉइन की कितनी थी? 3, और इसने कितनी की? 25। ये भी प्रूफ ऑफ वर्क के ऊपर काम करती है। और इसकी करंट सप्लाई की बात करें तो 12 से 13 करोड़ इसकी करंट सप्लाई हो चुकी है, और डे बाय डे रेगुलर ये ग्रो कर रही है दोस्तों, क्योंकि इसका एल्गोरिदम ही ऐसा सेट हो रखा है कि हर 5 सेकेंड में 15 जो है इथेरियम ये नए ऐड हो रहे हैं दोस्तों। इसी के बाद 2017 के अंदर ट्रोन यानी TRX, ट्रोन इंट्रोड्यूस्ड फर्स्ट POS ब्लॉकचेन, मेकिंग ए न्यू रेगुलेशन इन इंडस्ट्री विद हाईएस्ट TPS। कितनी दोस्तों? 2000, 2000 TPS के साथ ट्रोन एक बहुत ही जबरदस्त ब्लॉकचेन लेकर के आया, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लेकर के आया। और आपको बता दूं दोस्तों कि पूरे वर्ल्ड के अंदर आज सबसे ज्यादा होल्डर हैं ट्रोन के। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही इथेरियम की बात कर रहे थे, 2013 में जब इथेरियम आया तो ये 40 पैसे से शुरू हुआ था, और आज लगभग 3 लाख रुपए इसका एक क्वाइन का प्राइस है। और ड्रोन जब आया दोस्तों, ये भी 10 पैसे 20 पैसे से शुरू हुआ, लेकिन आज मात्र 10 से लेके 12 रुपए के बीच में इसका प्राइस चल रहा है। इतना बड़ा डिफरेंस क्यों प्राइस को लेकर? अब इसकी टोटल सप्लाई की बात करें दोस्तों,
100 बिलियन, यानी कि 10,000 करोड़ इसकी सप्लाई है किसकी, ड्रोन की। अब दोस्तों यहां पे जो डिफरेंस है प्राइस का, वो आपको यहां पे दर्शा रहा है कि बिटकॉइन की जो सप्लाई है वो है 2 करोड़ 10 लाख, इथेरियम की है लगभग 12 से 13 करोड़, और ड्रोन की सप्लाई है 100 बिलियन यानी 10,000 करोड़। तो ये डिफरेंस के कारण ही जो प्राइस का इतना बड़ा डिफरेंस है दोस्तों, क्योंकि हमने बात की है पहले ही कि लिमिटेड सप्लाई एंड हाई डिमांड। अगर किसी चीज की सप्लाई लिमिटेड होगी और डिमांड ज्यादा होगी तो ही उसका प्राइस बढ़ पाएगा, लाइक बिटकॉइन। तो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू पॉक्स पोलेक्स क्वाइन। आज हम, हमारा जो शॉर्ट नेम है दोस्तों पॉक्स है, और पोलेक्स क्वाइन के बारे में हम आपके साथ आज यहाँ पे बात करने वाले हैं, आपको बिजनेस प्लान इसके बारे में बताने वाले हैं। इस क्वाइन को आपने पूरे अच्छे से अंडरस्टैंड करना है दोस्तों। वेलकम टू पोलेक्स क्वाइन, क्या है पोलेक्स क्वाइन इसके बारे में आपको समझना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, पोलेक्स क्वाइन इज ए डिजिटल क्रिप्टो एसेट्स हैविंग इट्स अवन ब्लॉकचेन विद अवन स्टेबल यूएसडीएक्स करेंसी, हाईएस्ट टीपीएस ऑफ 10,000 एंड लिमिटेड सप्लाई ऑफ 5 करोड़, 5 CR पॉक्स। तो फ्रेंड्स, पोलेक्स क्वाइन अपनी ब्लॉकचेन लेकर के आया है और अपना एक स्टेबल यूएसडीएक्स जो करेंसी है उसको लेकर के आया है, और इसकी हाईएस्ट टीपीएस कितनी है, 10,000। इससे पहले हम लोग ट्रोन की ब्लॉकचेन पे काम करते थे, तो हम टोकन के रूप में काम कर रहे थे। अब हमारी अपनी ब्लॉकचेन आ चुकी है, तो नाउ वी आर एक्चुअल क्वाइन इन क्रिप्टो करेंसी, और हमारी टीपीएस कितनी है दोस्तों, 10,000, ट्रोन से भी 5 टाइम ज्यादा, और हमारी सप्लाई कितनी है दोस्तों, 5 करोड़। बिटकॉइन की सप्लाई 2 करोड़ 10 लाख, इथेरियम की सप्लाई लगभग 13 करोड़, ट्रोन की सप्लाई 10,000 करोड़, और हमारे पोलेक्स की सप्लाई कितनी है दोस्तों, 5 करोड़, और हमारे हिंदुस्तान की कुल आबादी 140 करोड़। तो माय डियर फ्रेंड्स, लिमिटेड सप्लाई के साथ हम लोग इस इंडस्ट्री में आए हैं, क्रिप्टो एजुकेशन, तो माय एक्सचेंजेस। तो माय डियर फ्रेंड्स, हम 3 बड़ी एक्सचेंजेस के ऊपर ऑलरेडी लिस्टेड हैं। सबसे पहले एल बैंक क्वाइन बाजार, ये हमारी इंडियन एक्सचेंज है दोस्तों, और क्वाइन स्टोर, ये हमारी 3 एक्सचेंजेस हैं जिसके ऊपर हम लोग लिस्टेड हैं। दुबई की एक्सचेंज है एल बैंक, और ये भी जो क्वाइन स्टोर है ये भी फॉरेन की एक्सचेंज है, और हमारे इंडियन एक्सचेंज है क्वाइन बाजार। इसके ऊपर आप अपना केवाईसी करके, आधार कार्ड पैन कार्ड डाल करके आईएनआर के अंदर भी पोलेक्स क्वाइन बाय सेल कर सकते हैं दोस्तों। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको यहां इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा हूं आज यूएसडीएक्स एफिलिएट प्रोग्राम के साथ। माय डियर फ्रेंड्स, पोलेक्स क्वाइन ने यूएसडीएक्स अपना एक स्टेबल क्वाइन इजाद किया है, और ये यूएसडीएक्स 1 USDX इज इक्वल टू 1 USDT। हाँ दोस्तों, 1 डॉलर के प्राइस इसका, जो डॉलर के बराबर इसका प्राइस है। तो माय डियर फ्रेंड्स, सेल्फ इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आपको दिखाई गई है। इफ यू आर इन्वेस्टिंग 10,000 डॉलर, अगर आप यहाँ पे 10,000 डॉलर की इन्वेस्टमेंट करते हैं दोस्तों, तो आपको यहाँ पे 400 दिन के अंदर आपके इन्वेस्टमेंट का मिलता है 200%। आपने 10,000 डॉलर की इन्वेस्टमेंट की, तो आपको यहाँ पे, आप देख रहे हैं दोस्तों, डेली अर्निंग 25 डॉलर की आपको डेली अर्निंग होगी, और 400 दिन में आपका जो है रिटर्न 200% की ग्रोथ आपको मिलती है दोस्तों। लगभग 400 दिन में मैं बोलूं तो आपका पैसा डबल। अगर आप 1 लाख रुपए इस क्वाइन के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, तो आप यहाँ पे 400 दिन में उसको, उस पैसे को 200% की ग्रोथ ले सकते। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल पहला पार्ट तो ये है इन्वेस्टर के लिए कि जितना भी हम यहाँ पे इन्वेस्ट करें उसका आप यहाँ से 400 दिन में डबल ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, रेफरल इनकम, यहाँ पे अगर हम इस सिस्टम के अंदर थोड़ा वर्क करना चाहें, काम करना चाहें, तो आप काम करके भी यहाँ पे एक बहुत बढ़िया, बहुत ही स्मार्ट
इनकम इंजॉय कर सकते हैं लोग। तो उसके लिए करना क्या है, दिस इज रेफरल मार्केटिंग। हम अपने रेफरेंस के अंदर इस प्रोजेक्ट के बारे में लोगों को बताते हैं, तो वो लोग भी जब आपके साथ इस सिस्टम के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं तो आप यहाँ पे एक बहुत ही अट्रैक्टिव इनकम ले सकते हैं। फोर टाइप ऑफ इनकम, चार तरह की इनकम है जो आपको मैं यहाँ पे बताने वाला। तो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले रेफरल इनकम, ये मंथली बेसिस पे आपको मिलती है। जैसे कि आप स्लाइड में देख रहे हैं कि अगर हम $5,000 से लेके $9,999 का एक महीने में काम करते हैं, 1 तारीख से लेके 30 तारीख तक डायरेक्ट के अंदर डायरेक्ट, तो आपको मिलता है 1%। और अगर हम 10,000 से लेके $19,999 का बिजनेस करते हैं एक महीने के अंदर तो 2%। 20,000 से लेके $29,999 का बिजनेस करते हैं डायरेक्ट 3%। 30,000 से लेके $49,999 का काम करते हैं एक महीने में तो 4%। और $50,000 एंड अबव आप यहां से गेन करते हैं 5% इंसेंटिव। ये आपको बाय मंथ मिलता है दोस्तों, पूरे महीने का सर, 1 से लेके 30 तारीख तक मंथली बेसिस। तो फ्रेंड्स, सेकेंड इनकम आपको इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं, जिसको हम बोलते हैं मैचिंग इनकम। मैचिंग माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर है वो आपके लेफ्ट साइड एंड राइट साइड का बिजनेस काउंट करता है। कुछ बिजनेस आप लेफ्ट में इंट्रोड्यूस करते हैं, कुछ बिजनेस आप राइट में इंट्रोड्यूस करते हैं, तो सॉफ्टवेयर उस बिजनेस की जब मैचिंग करता है तो उसका भी आपको एक बहुत ही अट्रैक्टिव इंसेंटिव मिलता है दोस्तों। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लेफ्ट टीम $10,000 का बिजनेस करती है, राइट के अंदर आप $10,000 का बिजनेस सबमिट करते हैं तो आपको यहाँ पे मिलता है 5%। तो 10,000 10,000 की मैचिंग पे आपको मिला $500। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये यहाँ पे आप स्लाइड देख सकते हैं। और ये जो इनकम है आपको ये मिलती है इंस्टेंट, जैसे आज आपकी मैचिंग हुई आप सुबह अपना जो है विड्रॉल लगा सकते हैं। द थर्ड इनकम इज लेवल इनकम, सुपर फैंटास्टिक इनकम। ये आपको 10 लेवल्स के अंदर बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही जबरदस्त इनकम आप यहाँ पे ले सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे लेवल्स हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, ऐसे करके 10 लेवल की इनकम आप यहाँ से ले सकते हैं। जितने लोगों को आप यहाँ पे डायरेक्ट इंट्रोड्यूस करते हैं दोस्तों, डायरेक्ट लेवल 1 के अंदर, उन सभी से आपको लेवल 1 के अंदर मिलता है 10%। जैसे कि आप यहाँ पे स्लाइड में देख रहे हो 10% फर्स्ट लेवल के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, आपने मिस्टर ए, आप यहाँ पे देखें, आपने मिस्टर ए को स्पॉन्सर किया और उन्होंने आपके कहने से $10,000 का इन्वेस्ट किया, या $1,000 का इन्वेस्ट किया, या $500 का इन्वेस्ट किया, या $100 का इन्वेस्ट किया, जितना भी उन्होंने इन्वेस्ट किया उसका आपको लेवल 1 पे 10% इनकम आने वाली है। तो ऐसे ही दोस्तों, सेकेंड लेवल पे 5%। लेकिन आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि सेकेंड एंड अदर्स जितने भी लेवल्स हैं उनकी इनकम लेने के लिए आपको डायरेक्ट के अंदर $500 के साथ, किसी भी पर्सन का $500 के साथ अकाउंट ओपन करना है। आप 10 लेवल की इनकम लेना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, फर्स्ट लेवल में $500 $500 $500 के 9 अकाउंट सबमिट करने हैं दोस्तों। तो आप जब 9 अकाउंट सबमिट कर देते हैं 1 बाय 1, तो आपके 10 के 10 लेवल ओपन हो जाते हैं। तो उस तरीके से मान लीजिए आपने मिस्टर ए को रेफर किया तो मिस्टर ए से आपको आ रहा है 10%। लेकिन मिस्टर ए ने अपने रेफरेंस के अंदर वर्क शुरू किया, उन्होंने आगे किसी का अकाउंट ओपन किया तो उनको 10% आएगा, मिस्टर ए को 10% आएगा, लेकिन मिस्टर बी से आपको भी आएगा कितना, लेवल 2 में 5%। इसी तरीके से दोस्तों, लेवल 3 की इनकम आपको मिलती है 5%, लेवल 4 की 5%, लेवल 5 की 5%, और इसके बाद 6, 7, 8, 9, 10, ये सभी लेवल्स आपको देते हैं 4, 4, 4% का जबरदस्त इनकम। लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि इन 10 लेवल्स की इनकम लेने के लिए आपको क्या करना है, फर्स्ट लेवल में $500 $500 $500 का डायरेक्ट में इंट्रोड्यूस कराने हैं, आपने अकाउंट ओपन करने हैं ताकि आप
ये बेहतरीन इनकम 10 लेवल की जो बेहतरीन इनकम है ये एंजॉय करना। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये थी हमारी लेवल इनकम, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही सुपर। तो माय डियर फ्रेंड्स, एक जबरदस्त इनकम आपको इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं जिसको बोलते हैं रिवार्ड इनकम। हाँ दोस्तों, रिवार्ड एंड अवार्ड। यहां पे आप स्लाइड में देख रहे हैं दोस्तों, सबसे पहले यहां पे आपको दिखाना चाहूंगा और बताना चाहूंगा कि यहां पे इन रिवार्ड्स को लेने के लिए यहां पे 75+75 डेज निर्धारित किए गए हैं। मींस टू से 75 75 = 150, 150 दिन के अंदर जब हम $5,000 का बिजनेस लेफ्ट टीम के अंदर और $50,000 का बिजनेस राइट टीम के अंदर हम कर देते हैं विद योर टीम, तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे रिकॉग्निशन मिलती है सिल्वर स्टार के रूप में और आपको यहाँ पे रिवार्ड मिलता है दोस्तों $150 दोस्तों। यहाँ पे ये जो आपको इनकम आनी है ये आपको 100 डेज में आनी। फॉर एग्जाम्पल, आपने सिल्वर लेवल अचीव किया और $150 का रिवार्ड आपको आया, ये आपको आएगा 100 दिनों में, $1.5 आपको पर डे आएगा। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से नेक्स्ट लेवल $15,000 लेफ्ट, $15,000 राइट आप कर लेते हैं तो आपको मिलता है यहाँ पे पल स्टार और आपको मिलते हैं $450 का रिवार्ड, $4.50 पर डे, यानी 100 दिन में $450 आपको यहाँ पे मिलते हैं माय डियर फ्रेंड्स। इसके बाद अगला लेवल $50,000 की मैचिंग और यहाँ पे आपको $1,500 का जबरदस्त रिवॉर्ड मिलता है और आपका लेवल होता है दोस्तों गोल्ड स्टार। इसके बाद $1,50,000 की मैचिंग और यहाँ पे आपको एमरल्ड स्टार का रिकॉग्निशन मिलता है और $4,500 का रिवार्ड आपको यहाँ पे मिलता है दोस्तों $4,500। इसी तरीके से माय डियर फ्रेंड्स, $5,00,000 की मैचिंग जब आपकी लेफ्ट एंड राइट दोनों टीमें कर लेती हैं 75-75 दिनों में, तो फ्रेंड्स $10,000 का रिवार्ड आपको मिलता है और प्लैटिनम स्टार आप कहलाते हैं। इसके बाद 15,00,000 की मैचिंग आप देख रहे हैं दोस्तों, 150+150, अब दिन भी बढ़ गए हैं दोस्तों, 300 दिन के अंदर जब आप 15-15 लाख की मैचिंग कर लेते हैं तो $45,000 का रिवॉर्ड पाते हैं और आप डायमंड स्टार से नवाजे जाते हैं माय डियर फ्रेंड्स। $50,00,000 का बिजनेस मैचिंग होने पर आप पाते हैं $1,00,000 का रिवार्ड दोस्तों, $1,00,000 मीन्स 9 लाख रुपए। तो माय डियर फ्रेंड्स, ब्लू डायमंड आपकी यहां पे रिकॉग्निशन होती है और इसके बाद $1,50,000 की मैचिंग पे आप पाते हैं $3,00,000 का रिवार्ड, क्राउन डायमंड आप कहलाते हैं $5,00,000 का रिवार्ड, सॉरी 5 करोड़ ऊपर था, 1,50,00,000। तो माय डियर फ्रेंड्स, $5 करोड़ की मैचिंग पे आप यहां पे पाते हैं $10,00,000 का रिवार्ड। वाओ, सुपर दोस्तों, $10,00,000 का रिवार्ड और यहां पे रॉयल डायमंड आप कहलाते हैं। और इसी तरीके से 15 करोड़ का बिजनेस जब आपकी टीम कर जाती है दोस्तों, $15 करोड़ का बिजनेस, तो लाइफ टाइम आप कभी भी कर दें इसको, तो आप यहां पे पाते हैं $10,00,000 का रिवार्ड और आप कहलाते हैं दोस्तों ब्लैक डायमंड। तो ये थी दोस्तों हमारी चार तरह की इनकम। आपको यहां बताना चाहूंगा कि लेवल इनकम के अंदर जो आपको लेवल इनकम आनी है दोस्तों, ऑल इनकम कैपिंग इज 4x ऑफ योर इन्वेस्टमेंट। जितनी भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, मींस टू से कि अगर आप $1,000 का इन्वेस्ट करते हैं, $1,000 से अपना अकाउंट ओपन करते हैं, टॉपअप करते हैं, तो आपकी यहाँ पे जो टीम से आप गेन कर सकते हैं वो $4,000 की कैपिंग रहेगी। उसको आप एक दिन में करें, दो दिन में करें, एक महीने में करें, एक साल में करें, तो फ्रेंड्स इस कैपिंग को इंक्रीज किया जा सकता है, आगे बढ़ाया जा सकता है। और 5% सर्विस चार्जेस ऑन ऑल टाइप ऑफ विड्रॉल, जो हम विड्रॉल लगाते हैं दोस्तों उसके ऊपर हमारा जो सर्विस चार्जेस है वो डिडक्ट होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हाउ टू वर्क एक मैट्रिक्स बताया गया है 6 का, तो 6 के मैट्रिक्स के हिसाब से यहाँ पे दिखाया गया दोस्तों कि अगर हम
छह लोगों को यहाँ पे फर्स्ट लेवल में स्पॉन्सर करते हैं और आगे उनके साथ वर्क करते हैं, उनके साथ मेहनत करते हैं और छह छह का मैट्रिक्स लेके चलें, तो आप यहाँ पे एक बहुत ही अट्रैक्टिव इनकम जो है 23,325 डॉलर की इनकम यहाँ पे ले सकते हैं मात्र 10 महीने में। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये था हमारा बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही जबरदस्त मार्केट कंसेप्ट, डिजिटल एसेट्स के बारे में हमने आपको यहाँ पे बताया। सो बेस्ट विशेस फॉर योर डिजिटल एसेट्स। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने पूरी प्रेजेंटेशन आपके साथ यहाँ पे शेयर की, तो हमने अपना डिस्क्रिप्शन के अंदर अपना नंबर हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं और आप मुझे पर्सनली भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो विश यू बेस्ट ऑफ लक, बहुत ही जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है, इसको अंडरस्टैंड करें। अगर फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरीज हो तो आप मेरे को डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त रमेश कुमार शर्मा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। Stay tuned.